हेलो दोस्तों, नमस्ते, हैप्पी राखी टू ऑल। तो मेरे जो रेगुलर्स व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं मेरे वीडियो, मैं उन सबको राखी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबके घर में भाई बहन तो होंगे ही, तो अपने घर में अच्छे से राखी बनाएं। और मैंने जो आज वीडियो डाला है वो भी राखी स्पेशल है। आज के दिन तो बहुत सारे लोग राखी स्पेशल वीडियो डालेंगे, तो मेरे में स्पेशल क्या है? मेरे में स्पेशल है कि मैंने कुछ नया स्टाइल यूज़ किया है अपने मेहंदी कोन के साथ। तो एक्चुअली मैं ड्यूलिंग करती हूँ। मैं जब राखी ये बस दिमाग में था, मैं पेपर और मेहंदी कोन लेके बैठ गई। आप सब लोगों को मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे अपने हाथ पे मेहंदी अप्लाई करना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता, तो मैं करती नहीं हूँ। खासकर जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी अपने हाथ पे मेहंदी करना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि पहला तो मुझे परेशानी हो जाती है, मेरा कंफर्ट जोन ख़राब हो जाता है, एंड दूसरी बात, मेरा कंसंट्रेशन जो होता है वो सिर्फ मेहंदी के ऊपर होता है, ना कि कैमरे के ऊपर। तो कभी कभी डिज़ास्टर हो जाता है, तो आई डोंट वांट एनी डिज़ास्टर। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो इफ आई वांट टू डू सम डिज़ाइंस एंड आई वांट टू क्रिएट समथिंग, देन आई प्रेफर माय नोटबुक एंड विथ माय मेहंदी कोन। ऑब्वियसली मैं मेहंदी कोन के साथ ही मैं हमेशा पेपर के ऊपर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे दो चीज़ होता है। पहला, आपके जो डिज़ाइन होते हैं वो सिर्फ फ़ोटो में नहीं, आपके पास सेव होते हैं। आप अगर दोबारा किसी वो डिज़ाइन आपका अगर बहुत अच्छा हो गया, तो आपने उसको रख दिया और आप प्रेफरेंस में आप किसी को दिखा ही सकते हो कि आप अगर ऐसा करना चाहो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो ये हो जाता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो अब बात आती है राखी पे। तो आज मैंने वीडियो पर आप देख रहे हो कि दो बच्चे बनाए हैं, एक लड़का एक लड़की। तो क्यों बनाया? आज राखी है इसलिए बनाया। और आप देख रहे हो कि मैंने आज ये चीज़ नया बनाया है कि डूडलिंग करते करते मेरा दिमाग में ये आया कि क्यों ना पोर्ट्रेट टाइप का कुछ बना दिया जाए। पोर्ट्रेट मेहंदी स्टाइल आया है, मगर ये पोर्ट्रेट तो नहीं है, ये वैसा है जैसा कि बचपन में हम लोग फेस वगैरह ड्रॉ करते थे ना, तो जैसा ड्रॉ करते थे वैसा ही। तो अभी ये ट्रेंडिंग पे है, अभी ये थोड़ा लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया। तो आते हैं अब मेहंदी डिज़ाइन में मैंने क्या क्या किया इसके ऊपर। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपने देख लिया होगा कि मैंने पहले तो गल्फ फ्लावर रोज़ यूज़ किया है, और उसके साथ गल्फ लीव्स यूज़ किए हैं। उसके ऊपर मैंने फ्रिल से लाइंस बनाए, सिंपल बॉर्डर लाइंस बनाए हैं। उसके बाद सॉल्स यूज़ करके मैं ये बना रही हूँ, ये जो फेस है दोनों भाई बहनों का, और राखी बांधा हुआ है वो लड़का, और लड़की ने राखी बांधा है, तो लड़की के पीछे लड़का खड़ा है। मैंने कुछ ऐसा बनाया है, तो होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हो। और मैंने इसमें डॉट्स का यूज़ किया है, और पोर्ट्रेट स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन में आप लोग जानते हो शेडिंग का बहुत यूज़ होता है, तो मैंने कोशिश किया है क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई मार रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा वो किया है, कोशिश किया है कि इसमें भी थोड़ा शेडिंग वगैरह अगर रखूँ। यस, ये मेरा कंप्लीट फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसा करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, पहले मैंने दो तीन बार किया है बस, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया है, ट्रस्ट मी गाइस। और आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिया है, और इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिए हैं। इसमें मैंने तीन बर्ड्स रखे हैं फिंगर्स में और पाम के ऊपर भी, और मैंने रिवर्स टाइप लीव्स लिए हैं, और वो गल्फ स्टाइल जो आप फ्लावर देख रहे हो वो भी फ्रिल फ्लावर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मैंने गल्फ टाइप स्टाइल का फेदर रख दिया, और मतलब पंखुड़ी जिसको कहते हैं हम लोग वो रखा है, और फिर डॉट्स का यूज़ किया है मैंने वहाँ पे भी। और मैंने लीव्स लिए हैं, इसको रिवर्स स्टाइल लीव्स अभी ये नया आया है थोड़ा, तो वो लिया है।
बर्ड्स लिए हैं उसके साथ, और नया एक चेक डिज़ाइन मैंने ट्राई किया है, सिंपल सा है, और मैंने इसको दो तीन तीन जगहों पर यूज़ किया है। और मैंने टियर ड्रॉप्स जो लीव्स होते हैं, जो आप एंगेजमेंट जो हमारी उंगली होती है वो उस वाली रिंग वाली उंगली में मैंने उसका यूज़ किया है, वो भी आपको दिखेगा। और मैंने यहाँ पे चेक का यूज़ किया है, जो चेक मैंने बनाया था, एक्चुअली मैंने जो बनाना चाहती थी वो तो हुआ नहीं। फ्रिल वाले चेक्स मैंने बनाया है डबल लाइन लेके, मगर एक्चुअली मैं वहाँ पे जो ड्रॉ करना चाहती थी वो हुआ नहीं, तो थोड़ा मेस्टअप हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी पूरा डिज़ाइन जो है वो मेरे अकॉर्डिंग हुआ है, जैसा मैं चाहती थी वैसा हुआ है। तो होप आप लोग को ये पूरा वीडियो अच्छा लगेगा, और ऑफ कोर्स ये मेरा जो आज का डिज़ाइन है और मेरा जो आज का मोटिव था वो था भाई बहन का रिश्ता। और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है, और अगर ये अच्छा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप कृपा करके पूरा वीडियो अंत तक देखिए, और हाँ अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, थैंक यू। और अगर कैसा बना है, अच्छा बुरा जैसा भी बना है, प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैप्पी राखी टू ऑल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, टाटा।